हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। टूडेज इन माय वीडियो लेक्चर वी डिस्क्राइब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आपको एक लॉ पढ़ना होगा, राउट लॉ। और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पहले आप देखेंगे और उसके साथ साथ आप राउट लॉ देखेंगे। और राउल्ट ने क्या बताया, किस तरह से जो है ये आइडियल सोल्यूशन है तो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है कि नहीं है। वैसे नॉर्मली जानिए जो सोल्यूशन आइडियल होता है वह राउल्ट लॉ से को फॉलो करता है। तो राउल्ट लॉ को जो फॉलो करने वाले सोल्यूशन होते हैं दैट इज आइडियल सोल्यूशंस, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ऐसे सोल्यूशनों को बोलते हैं नॉन आइडियल्स। अब इसमें जो सोल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, अब वह किस तरह से डेविएशन शो करेगा, तो वह सोल्यूशन जो नॉन आइडियल होते हैं, नॉन आइडियल वह डेविएशन शो करते हैं। और वो डेविएशन शो करते हैं दो तरह से, फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन और सेकेंड होता है नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन मीन्स होता है, जैसे स्टूडेंट्स अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमने ये वाटर लिया, ओके अब इस वाटर ये ओनली प्योर वाटर, और इसके बाद हमने यहाँ एक और बेसन लिया जिसमें वाटर के साथ इसे हमने मिला दिया है सोडियम क्लोराइड साल्ट को। अब इन दोनों को हम हीट करेंगे, क्लियर। हीट करने पर जिससे स्टूडेंट सब जानते हैं कि वाटर की बॉइलिंग होती है 100 डिग्री सेल्सियस। अब सोडियम क्लोराइड इसे मिलाकर अगर इसको हीट करेंगे तो इसकी बॉइलिंग 100+ हो जाएगा। 100+ होने का मीन्स है कि यह सोल्यूशन जो बना दैट इज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्लियर। और सेम अगर इसी तरह से हम जो है इसमें वाटर लेते हैं, चलिए एक और लेते हैं हम लोग वेसल्स, जैसे सपोज कि इसका नेम लेते हैं ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जो सी वेसल्स है इसमें हमने मिक्स कर दिया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल मिक्स कर दिया। अब एथिल अल्कोहल मिक्स करने के बाद ये जो वेसल सी है, इस सी का अगर हम बॉइलिंग फाइंड आउट करेंगे तब इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 होगा, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों सोल्यूशन जो होते हैं, जो सलूट सलूट के मिक्स करने पर, अगर दो सोल्यूशन को स्टूडेंट्स अगर हमने दो सलूट को मिक्स किया, दो सलूट मिक्स यह है कि अगर जो है कि दोनों हमारे लिक्विड फॉर्म में है और उसमें एक सॉल्यूट कवर करेगा, एक सॉल्वेंट कवर करेगा, अगर दोनों को मिक्स करते हैं और वह जो है कांस्टेंट जो है उसका एजियोट्रॉप कांस्टेंट रहता है, जैसे हमने वाटर में अगर कोई सॉल्वेंट मिक्स कर दिया और उसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 100 ही रहे, चेंज ना हो, डेविएशन ना शो करे, तब उसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर यह फॉलो नहीं करता है राउल्ट लॉ को तो हो जाता है नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में दो तरह के डेविएशन होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तो स्टूडेंट्स, ये डेविएशन हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं कि नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और NCERT इसके टर्म में क्या वर्ड दे रही है, हाँ तो स्टूडेंट्स आइडियल सोल्यूशन में हम लोग राउल्ट लॉ को देखते हैं। और राउल्ट लॉ में होता है क्या कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा वही आपका आइडियल होगा। और आइडियल सोल्यूशन में राउल्ट लॉ जो फॉलो करता है इसमें एंथैल्पी चेंज क्या होता है 0, एंड वॉल्यूम चेंज क्या होता है 0। जैसे हम अगर ए एंड बी दो सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अगर उनमें एंथैल्पी चेंज ना हो, उनकी एंथैल्पी चेंज ना आए, एंथैल्पी सेम हो, डेल्टा एस यहाँ जो दिखाया गया एंथैल्पी चेंज दिखाया गया है। अब एंथैल्पी चेंज होता है क्या स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको भी अब हम यहाँ क्लियर कर देते हैं कि एंथैल्पी चेंज होता है क्या। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एस इक्वल टू होता है HP - HR, डेल्टा एस एंथैल्पी चेंज
हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। जैसे आपने जो है इसमें कोई सॉल्वेंट लिया और इसका एंथैल्पी आपने देख लिया, सपोज कीजिए कि ये है जिसका एंथैल्पी आपने चेक कर लिया। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, किसी में अदर्स बी जो है कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं और ये आपका जो है ये एक प्रोडक्ट बन जा रहा है। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, अब इस प्रोडक्ट का जो है अगर हम एंथैल्पी चेंज देखेंगे तो इसका एंथैल्पी वही होगा जो इसके पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट का था। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी और रिएक्टेंट का एंथैल्पी, जो प्रोडक्ट है इसका एंथैल्पी, जो रिएक्टेंट था इसका एंथैल्पी, दोनों के एंथैल्पी अगर इक्वल होगा तो ऐसे कंडीशन में डेल्टा एस का वैल्यू जो है क्या मिल जाएगा, जीरो। तो राउट लॉ को फॉलो वही करता है इसका एंथैल्पी चेंज जीरो हो और वॉल्यूम चेंज भी क्या हो, जीरो हो, दैट इज फॉलो टू राउट लॉ। इट मीन्स दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब आर इवॉल्व वेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स। इसका मीन्स है कि कोई हीट इवॉल्व नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा जब हम कंपोनेंट मिक्स करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू कंसंट्रेशन। तीसरा से डेल्टा भी चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ए मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द कंसिडरिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी इन प्योर कंपोनेंट्स। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर विल बी टाइप्स ए ए एंड बी बी। जो मॉलिक्यूल से है वह ए एंड ए टाइप का है और बी जो है बी एंड बी टाइप का है। ओके वेयर एज इन द बाइनरी सॉल्यूशन द एडिशन ऑफ द टू इंटरेक्शन ए बी, इन दोनों को मिस करने पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको जो है ए एंड बी का मिल रहा है। क्लियर। ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी आल्सो बी प्रेजेंट इन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फ्रॉम बिहेवियर द ए एंड बी बी आर नियरली इक्वल्स। स्टूडेंट्स जो है यहाँ जो दिखाया गया है कि ए ए और जो बी बी है यानी दोनों के जो बाड की एनर्जी है, अगर ये जो है ए बी की जो बाड की एनर्जी है अगर ये नियर अबाउट क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस लीड द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोलूशन, ऐसा सोलूशन जो है आइडियल सोलूशन के अंतर्गत आता है। ए परफेक्टली आइडियल सोलूशन इज रेयर बट सम सोलूशन आर nearly ideal in behavior। तो स्टूडेंट्स जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वह एक्चुअली में जो है बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। सोल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन इंजीन एंड टालिन्स एक्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। स्टूडेंट्स ये सब जो है सोल्यूशंस आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ आपको दिया, क्योंकि ये एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि एनहेक्सेन एनहेप्टेन ब्रोमो एथेन एंड क्लोरो एथेन बेंजीन एंड टालिन्स। ओके दीज आर कैटेगराइज इन आइडियल सोल्यूशंस। वेन ए सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउट लॉ, सोल्यूशन जब राउट लॉ को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, देन कॉल नॉन आइडियल, तब उसको हम जो कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन नाम दिया जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सच ए सोल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन दैट प्रेडिक्ट बाई राउट लॉ।
If it is higher, the solution exhibits positive deviations and lower, that is negative deviations. इसमें जैसे हमने बताया कि सपोज कीजिए कि A एंड B का बाइनरी कंपाउंड हमने बनाया ए बी, अगर इस ए बी जो बना है इसका जो एंथैल्पी चेंज है ओके अगर ये अधिक हो जाता है तो यह सोलूशन जो है पॉजिटिव शो करेगा, और ए बी का जो एंथैल्पी चेंज है इन दोनों को मिक्स करने पर इनकी जो एनर्जी थी ए और बी की, अगर ए बी की एनर्जी जो है लो हो जाती है, दैट इज नेगेटिव डिवेशंस। तीसरा से नॉन आइडियल सोलूशन है टू टाइप्स, इट इज लाइटर देन सोलूशन पॉजिटिव डिवेशंस एंड द लोअर इज विट नेगेटिव डिवेशन। राउटला द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर द सच सोलूशन आर 2.6। स्टूडेंट्स जो राउटला के अकॉर्डिंग्स जो हमको ये ग्राफ ऑब्टेन होता है पॉजिटिव डिवेशन और नेगेटिव डिवेशन का जो ग्राफ ऑब्टेन होता है, इस ग्राफ के एक्सप्लेनेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स।